वेल फ्रेंड्स, तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दो फंक्शंस fn एंड gn यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और fn में हमसे कहा गया कि 1 से लेकर 10,000 तक इसकी वैल्यू n क्यूब रहेगी एंड ग्रेटर देन 10,000 पे इसकी वैल्यू n रहेगी, राइट। एंड सिमिलरली gn के लिए आप देख लीजिए, 1 से लेकर 100 तक ये n स्क्वायर रहेगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 100 पे ये n क्यूब रहेगा, राइट। तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है, जो हमारी बाउंड्रीज हैं जिन पे हमें यहाँ पे चेक करना है वो हम करेंगे 100 पे एंड आपकी 10,000 पे, ठीक है। इन पे हमें यहाँ पे चेक करना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली, क्योंकि 100 है, मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पे चेक करता हूँ किसके लिए, 99 के लिए चेक करता हूँ, ठीक है, एक जस्ट उससे एक पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वहां 0 से लेके 99 तक या 1 से लेके 99 तक आप देखोगे जो आपका gn जो है वो आपका कितना रहेगा, वो n स्क्वायर रहेगा एंड 1 से लेके 10,000 तक या n क्यूब रहेगा। दैट मींस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहां तक मैं बेफिक्र कह सकता हूँ कि fn जो है वो आपका यहाँ पे बड़ा रहेगा, बिकॉज ये n क्यूब रहेगा एंड gn मेरा कितना रहेगा, n स्क्वायर रहेगा। तो gn मेरा कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, राइट। gn मेरा कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ये मेरा 99 पे है। अब आप देखिए 100 पे, 100 पे क्या होता है, 100 पे ये कह रहा है ये n क्यूब हो जाएगा, राइट। gn मेरा n क्यूब हो जाएगा एंड क्योंकि और fn जो है वो 10,000 तक तो आपका चलेगा ही चलेगा n क्यूब। दैट मींस ये दोनों के दोनों, ये जो आपका बढ़ के दोनों के दोनों कहीं 10,000 पे दोनों मीट कर जाएंगे एंड यहाँ पे n क्यूब हो जाएगा। दैट मींस ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, राइट। इसके बाद कंडीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं किस पे, लेट्स से 9,999 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 9,999 पे ये fn एंड gn दोनों के दोनों आपके यहाँ पे बराबर रहेंगे, है ना। ये भी n क्यूब एंड ये भी n क्यूब, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 पे ये n क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि fn जो है वो मेरा बराबर है किसके, gn के, राइट। अब आप देखिए, जैसे ही हम 10,000 बाउंड्री पे रीच करते हैं, 10,000 पे जैसे ही हमने रीच किया, तो 10,000 पे ये fn जो है वो अब क्या हो जाएगा, वो आपका n हो जाएगा एंड ये तो एज इट इज n क्यूब तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो दैट मींस ये मान लीजिए यहां पे मैं पहुंचा, ये जो fn है ये आपका गिर के कहां पे आ गया, यहां पे ये आपका यहां पे n की तरफ बढ़ चुका है, राइट। तो यहां पे अब मैं कह सकता हूं ये आपका यहां पे लेट्स से fn रहा एंड gn जो था ये तो कंटिन्यू करता हुआ ये आपका ऊपर तक आ गया, यहां पे आपका क्या रह रहा है, ये आपका gn ऊपर ही रहेगा बिकॉज ये n क्यूब ही रहेगा। तो इसके बाद आप देखो यहां पे 10,000 वैल्यू के बाद मैं कह सकता हूं gn जो है वो हमेशा बड़ा है इन कंपैरिजन टू fn, राइट। तो इसीलिए अब इन चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो, gn मेरा हमेशा बड़ा रहेगा। दैट मींस ऑप्शन ई जो है दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn, राइट। gn जो है हमेशा बड़ा रहेगा। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे मैं और यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ, अगर बिगो नोटेशन हम यूज कर रहे हैं तो बिगो नोटेशन अगर यूज करें तो यहाँ पे अगर मैं n नॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो n नॉट मेरा यहाँ पे कितना निकलेगा, 100 निकलेगा, बिकॉज बिगो नोटेशन में आपको पता है a इज लेस देन इक्वल टू b, ये वाली इनइक्वालिटी फॉलो होती है। दैट मींस दोनों बराबरी वाला जो केस है इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो इन बिगो नोटेशन अगर हम यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो n नॉट की वैल्यू 100 निकलेगी एंड जस्ट इन केस अगर यहाँ पे मैं स्मॉल ओ नोटेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो स्मॉल ओ नोटेशन में आप जानते हो वहां पे n नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000, ठीक है, बिकॉज 10,000 के बाद ही आपकी ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये फॉलो होगी। वहां पे gn हमेशा ही आपका बड़ा होना चाहिए fn के बाद, राइट। तो अगर स्मॉलर नोटेशन है तो n नॉट की वैल्यू 10,000 और अगर बिग नोटेशन है तो n नॉट की वैल्यू आपकी 100 रहेगी। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने यहाँ पे देखी। आइए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं जो कि हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड इसके ऊपर फिर हम वहाँ पे दो प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं।